वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज़ आवर डेली न्यूज़ पेपर वीडियो आज है सिक्सटींथ नवम्बर और हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे वेल well, ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी यू पी एस सी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सो लेट्स बिगिन विद इट सो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पी वी टी जीज से रिलेटेड है सो फिफ्टीन नवम्बर विच इज़ मार्ग डैज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा और इस दिन ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है सो ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च पी एम पी वी टी जी डेवलपमेंट मिशन पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट के लिए ये पी एम पी वी टी जी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी लॉन्च किया गया जिसका मेन फोकस उन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर है जिसका बेनिफिट स्पेशली ट्राइबल डिस्ट्रिक्स तक पहुँचे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक हर तरह का बेनिफिट पहुँचे ये इस पूरे डेवलपमेंट मिशन का एम है सो पी एम डेवलपमेंट मिशन का अगर हम मेन एम देखें तो इसका पूरा फोकस वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की तरफ है जिनको हम पी के तौर पर क्लासिफाई करते हैं ताकि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो सके इस मिशन में उनको एक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी विच इंक्लूड सेफ हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद इट जो शेड्यूल्ड बैकवर्ड ट्राइब एरियाज हैं जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ तक बेटर रोड्स का एक्सेस हो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक पहुँचाई जाएंगी यहाँ से पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिकली हमारे इंडिया में 75 फाइव ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया है और ये 75 फाइव ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया की 18 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं एंड इन द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो 18 स्टेट्स

1975 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को इस सेपरेट कैटेगरी के, के अंदर डाला गया इनिशियली 52 ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था लेकिन फिर 1993 में 23 और ट्राइबल ग्रुप्स को ऐड किया गया एंड प्रेजेंटली वी हैव 75 फाइव यू नो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया एंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया में highest number of particularly vulnerable tribal groups Udisa mein hai. 18 tribes you know Udisa ke hai, followed by andhra pradesh jahan pe 12 pvtg is present hai. moving ahead our next news article is about a famous scientific personality amal kumar rai chaudhri and his infamous rai chaudhri's equation rai chaudhri's equation revolutionized the field of relativity जो जो जनरल रिलेटिविटी की फील्ड है द स्टडी ऑफ स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी इसमें राय चौधरी इक्वेशन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ही वर्कड ऑन द मिस्ट्रीज़ ऑफ ग्रेविटी एंड हिज़ राइटिंग्स हिज़ सिग्निफिकेंट पेपर ऑन द जनरल एटिविटी जो कि 1955 में पब्लिश होता है और जिसे कि राय चौधरी इक्वेशन कहा जाता है इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स रॉजर पेनरोस एज वेल एंड ट्वेंटी यू नो दिस ईयर मार्क्स राय चौधरी इज़ बर्थ सेंटेनरी उनके बर्थ को सौ साल पूरे हो चुके हैं नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में अमल कुमार राय चौधरी जी का जन्म हुआ था एंड दिस ईयर इज़ हिज़ बर्थ सेंटिनरी इवन रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी में फिजिक्स के अंदर जो नोबल प्राइज़ दिया गया था इट वॉज गिवन टू द्रिटिश फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉजर पेंड्रोस ही वॉज अवार्डेड दिस नोबल प्राइज़ फॉर हिज़ वर्क ऑन ब्लैक होल तो उस टाइम पर भी इंडियन फिजिसिस्ट अमल कुमार राय चौधरी काफ़ी न्यूज़ में आए थे बिकॉज ऑफ हिज इक्वेसन इन दिनरल रिलेटिविटी तो ये जो जनरल रिलेटिविटी के अंदर उनकी जो इक्वेशन है इट इज़ अ फंडामेंटल रिजल्ट यू नो विच डिस्क्राइब्स हाउ नियरली बिट ऑफ मैटर मूव कैसे छोटे से छोटा बिट्स ऑफ मैटर मूव करते हैं ये डिस्क्राइब करने में राय चौधरी इक्वेशन एक बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करती है तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन टूडेज वर्ल्ड वेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेटिंग द बिहेवियर ऑफ ब्लैक होल इन दी हराइजनज यो इन थ्रू मॉडर्न फिजिक्स तो इन सब के अंदर राय चौधरी इक्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल मूविंग अहेड हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल नासा और इसरो के जॉइंट स्पेस मिशन निसार से रिलेटेड है वेल निसार इज़ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार वल निसार की अगर हम बात करें तो निसार अपने आप में एक पहला ऐसा रेडार है जिससे कि अर्थ को सिस्टमैटिकली मैप किया जाएगा इसमें बेसिकली दो तरह की रेडार फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया जाएगा एल बैंड और एस बैंड जिससे कि हमारी अर्थ की सरफेस पे इवन एक सेंटीमीटर से कम के एरिया में भी अगर कोई चेंज आता है तो उसे मेजर किया जा सकता है एंड निसार एज़ वी सेट इसे यू नो बिल्ड किया जा रहा है बाय यूएस एंड इंडिया यूएस के नासा और इंडिया के इसरो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आए और इस निसार को बिल्डअप कर रहे हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्राम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन टू द नियर पोल ऑर्बिट तो ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जरवेटरी के तौर पर रहेगा और ये जो सेटेलाइट है ये कम से कम तीन साल तक ऑपरेट करेगी एंड निसार पूरी अर्थ को ट्वेल्व डेज के अंदर कम्प्लीटली मैप कर सकता है सो एज़ वी सेड इस सैटेलाइट के अंदर दो तरह के रेडार फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं एल बैंड एंड एस बैंड इसे सिंथेटिक अपर्चर रेडार कहा जाता है एंड इट हैज़ दीज डुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इमेजिंग रेडार सेटेलाइट यहाँ पे नासा ने एल बैंड रेडार प्रोवाइड किया है वेर एज़ इसरो ने एस बैंड रेड प्रोवाइड किया है तो नासा का एल बैंड हो गया साथ ही में जीपीएस सिस्टम जो है वो नासा ने यहाँ पे लगाया है अलोंग विद डैट अ वेरी हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जिसमें कि जो डाटा है उसे स्टोर किया जाएगा एंड अ पे लोड डाटा सब सिस्टम ये नासा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वेर एज़ इसरो यहाँ पे एक तो एस बैंड रेडार प्रोवाइड करेगा साथ ही में जो हमारा लॉन्च सिस्टम है वो जीएसएल भी यहां पर यूज किया जाएगा जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अलॉन्ग विद स्पेसक्राफ्ट तो ये इसरो प्रोवाइड करेगी इसी के साथ साथ निसार में एक 39 फुट का स्टेशनरी एंटेना रिफ्लेक्टर है जो कि गोल्ड प्लेटेड वायर्स का बना हुआ है एंड इस रिफ्लेक्टर को बेसिकली फ़ोकस करने के लिए यूज़ किया जाएगा जो रेडार सिग्नल्स एमिट यहाँ से किए जाएंगे उन सब को फोकसिंग के लिए इस एंटेना रिफ्लेक्टर को यूज़ किया जाएगा जिससे कि बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज़ जो है वो प्रोड्यूस हो पाएंगी यहीं अगर हम निसार के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो अर्थ साइंसेस के अंदर निसार का कंट्रीब्यूशन बहुत रहे, रहने वाला है बिकॉज इट्स गौना प्रोवाइड द वेल्थ ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस चेंजेस कहीं पे कोई नेचुरल हजार्ड है कोई इकोसिस्टम डिस्टरबेंसेस अगर हो रहे हैं तो इन सब में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे हेल्प करेगा दी यू नो दमेज दैट इज़ ग कम फ्रॉम दी निसार साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी निसार क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जैसे कि कोई अर्थक्विक है सुनामी कोई वलगैनिक करप्शन अगर आने वाला है तो ऐसे केस में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी निसार प्रोवाइड करेगा जिससे कि फास्टर रिस्पॉन्स आ सकते हैं और बेटर रिस्क असमेंट हम कर सकते हैं

प्लस इस मिशन से जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई ऑयल स्पिल हो रहा है तो उसे मॉनिटर किया जाए अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्ट्रेशन इन सब के किस सिग्निफिकेंट लेवल तक चेंजेस आ रहे हैं उन सब को यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा एंड लास्टली फॉर क्लाइमेट चेंज टू अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ You know, कहीं पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं सी लेवल राइज हो रहा है देर इज चेंजेस इन आर कार्बन स्टोरेज एज वेल तो इन सब को मॉनिटर करने में निसार हेल्प करेगा मूविंग अहेड आर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वेल इस रिपोर्ट को यू एन के डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया एंड इस रिपोर्ट में तीन मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इनकी इमिशंस को देखा जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2022 में अब तक की रिकॉर्ड हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हुई हैं चाहे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इन तीनों गैसेस की बात करें तो लास्ट ईयर 2022 में हर तरह का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो गया यहाँ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो डेफ़िनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है एंड मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन आती हैं फ्रॉम द कम्बस्चन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स एंड आल्सो फ्रॉम द सीमेंट प्रोडक्शन एंड जिसकी वजह से वी हैव सीन कि पास्ट में भी पास्ट डिकेड में भी सिग्निफिकेंटली कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होता है ओशंस में अक्यूमुलेट होता है लैंड में अक्यूमुलेट होता है सो इन फ्यूचर हमारे लैंड्स हमारे ओशन इनकी जो एबिलिटी है कि जो कार्बन को स्टोर करते हैं जिनको हम कहते हैं कि कार्बन सिंक ये अफेक्ट होगी एंड हो सकता है कि अब और लैंड और और ओशन्स और कार्बन डाइऑक्साइड को इनो स्टोर ना कर पाएँ और इन रिटर्न वो उसे रिलीज़ करना शुरू कर दें कार्बन सिंक ना बन के कार्बन सोर्स बनना शुरू हो जाए ये एक बड़ा यहाँ पे यू नो क्वेश्चन मार्क आता है सेकेंड जो हम हमारी मीथेन गैस है ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन क्लाइमेट चेंज हमारे एटमॉस्फेरिक मीथेन एंड इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं बहुत सारे सिंक्स हैं जो आपस में मिक्सअप होते हैं जैसे कि बायोजेनिक सोर्सेज की बात करें तो वेटलैंड्स राइस फील्ड्स ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन गैस की रिलीज़ के लिए और साथ ही में एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज तो हैं ही जो कि मेनली ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज़ करते हैं प्लस नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी एक बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल सोर्सेज के थ्रू और प्लस एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से एमिट होती है और इसके एमिशंस भी 2022 में काफ़ी इंक्रीज हुए हैं अलोंग विद दी अदर मेजर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि क्लोरोफ्लोरोबन की अगर हम बात करते हैं या फिर कुछ हेलेंस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स देर अमिशंस हैज़ डिक्रीज लेकिन इसी की जगह पे हाइड्रोक्लोरोलोरोबन्स हाइड्रोफ्लोरोबन इनका एमिशन जो है वो बढ़ चुका है सल्फर हेग्जाफ्लोराइड जो कि बहुत एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि मेनली केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज इसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्र यू नो इंसुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है इसका एमिशन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है प्लस कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे वॉलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सब का जो एमिशन है वो इंक्रीज हो चुका है सो ये हमारे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अंदर प्रेजेंट किया गया मूविंग अहेड आर लास्ट न्यूज आर्टिकल फॉर टुडे इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो हेडलाइन है कि एफ टीम इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग्स तो बेसिकली इंडिया के अंदर इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन uh, हो सके व्हेन इट कम्स टू दी फ्रेमवर्क अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए FATF एफ की जो टीम है वो इंडिया में आ चुकी है यहाँ से आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो एफ की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज द नेम सजेस्ट हमारे पास ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए प्लस जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसे रोकने के लिए ये एक ग्लोबल वॉचडॉग जो है वो सेटअप किया गया था इन 1989 एक जी मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया था कि एक फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होना चाहिए इनिशियली इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कॉम्बैट किया जाए लेकिन उसके बाद फिर 9 एलेवन अटैक्स यूएस में होते हैं जिसके बाद एक्सपैंड किया जाता है इसका मैंडेट और फिर इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने का एफर्ट्स जो हैं वो भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं सो एफ एफ के पास ये दो ऑब्जेक्टिव्स तो हैं ही मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना इसी के साथ साथ एक तीसरा ऑब्जेक्टिव भी ऐड किया गया था इन 2012, थाउजेंड ट्वेल्व विच वॉज़ अबाउट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ द पॉलीफ्रेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की पॉलीफरेशन ना हो इसकी फाइनेंसिंग को रोकने का जिम्मा भी एफ को दिया गया मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ एफ़ ए टी एफ एक थर्टी नाइन मेम्बर बॉडी है जिसमें मोस्ट ऑफ दी मेजर जो फाइनेंशियल सेंटर हैं दुनिया के वो सब रिप्रेजेंट होते हैं इन थर्टी नाइन मेम्बर्स में से दो तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ही आ जाती हैं यूरोपियन कमीशन और जी सी सी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल सो ये थर्टी नाइन मेम्बर्स की ये बॉडी है इंडिया टू थाउजेंड सिक्स में एफ़ ए टी एफ का पहले ऑब्जर्वर मेम्बर था इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस था लेकिन टू थाउजेंड टेन में इंडिया एफ का फुल मेंबर बन जाता है इंडिया एफ के जो और रीजनल पार्टनर्स हैं जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप यूरेशियन ग्रुप इनका भी रीजनल इनका भी मेंबर है एज ऑफ नाउ ओनली इंडोनेशिया इज़ दी ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एफ ए टी एफ तो ये कुछ सिंपल बातें आपको पता होनी चाहिए पीटी में कभी कभी कुछ ऐसे फैक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो ये इतनी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको आज होनी चाहिए इससे ज़्यादा डिटेल में आप अपनी जो करंट अफेयर्स की जो डिटेल क्लासेस होती हैं हमारी जो वीकली करंट अफेयर क्लासेस हैं द्रोणाचार्य में वहाँ पर आप एफ की फंक्शनिंग इसके रोल को आप और डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस वीडियो दिस मच इज़ नीडेड सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू